सचिन पायलट को लेकर महिला गा रही है, झूम रही है और नाच भी रही है। पायलट ने फूका बगावत तो कांप गई मोदी और अपने ही सरकार की कुर्सी। बता दें कि भले ही कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर कुछ विवादों को दबा दिया हो, लेकिन राज्य में जारी पार्टी के भीतर की बगावत पर पार्टी लगाम करने की कोशिश कर रही है और नाकाम साबित होती रही है। एक बार फिर से राजस्थान में सियासी घमासान तेज हो गया है। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव की रणनीति को अपनाते हुए पायलट ने आज जयपुर में धरने का ऐलान किया। पार्टी आलाकमान ने ऐसा ना करने के लिए पायलट को चेतावनी दी, लेकिन सचिन पायलट अपने ही अनशन पर अड़े रहे। बता दें कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम की शिकायत है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 4.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जिनके आधार पर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई थी। पायलट ने रविवार को अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजस्थान में भाजपा के शासन के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में विफल रही। यही कारण है कि उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन करने की योजना की घोषणा करें। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने सचिन पायलट को चेतावनी देते हुए उन्हें कहा और कड़ी चेतावनी दी कि निर्धारित अनशन के कुछ घंटे पहले ही सोमवार को रात राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री को कहा कि उनकी ओर से इस तरह की भी कोई कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधि होगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पायलट के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव और जिस तरीके से ये सोसाइटी का घोटाला चल रही है, इसके अलावा शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो अपने ही सरकार को घेरने में लग चुके हैं सचिन पायलट और मोदी तो घेरा ही चुके हैं। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।